दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो मकर राशि के लिए मई 2023 का राशिफल लेकर के आया हूं। थोड़ा सा लेट लेकर के आया हूं, लेकिन कोशिश करूंगा एक एक चीज आपको बढ़िया से क्लियर करने की। देखिए, मई के महीने में जो ग्रहीय व्यवस्था बन रही है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने की संभावनाएं बन रही है, कहां कहां आपके लाइफ में सुधार हो सकता है और किन बातों पर थोड़ी सावधानियां आपको रखनी है, इन चीजों को मैं डिटेल में टू दी पॉइंट बात करूंगा और सब कुछ अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव चीजों को देख लेते हैं। बींग ए कैप्रिकॉरियन, देखिए कैप्रिकॉर्न और मकर के होने के कारण बहुत सारी परेशानियों से आप जूझे हैं पिछले 2-3 साल में, और इतना तपा दिया है शनि ने, अब तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता होगा ज्यादा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कष्ट हमने ऑलरेडी झेल लिए हैं। तो अब थर्ड फेज में धीरे धीरे जो स्थिति है वो पॉजिटिव होने जा रही है। पूरी तरह पॉजिटिव नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे अब जो है आपके अंदर होप जागृत हो रहा है। आप धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग के तहत अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। डिफरेंट इनकम ऑफ सोर्सेज भी आपके माइंड में अब धीरे धीरे आ रहे होंगे। तो पॉजिटिव आप रहिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा मई का राशिफल स्टार्ट करने से पहले कि थोड़ा पॉजिटिव और रहिए। लाइफ खत्म नहीं हो जाती 2-3 साल 4 साल बहुत सारे संघर्षों के बाद। हाँ, संघर्ष जरूर हुए हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको शनि ने दिए हैं। अब आप लाइफ में आगे बढ़िए और जो भी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं ग्रह व्यवस्था से मई के महीने में, मैं उस पर चर्चा करता हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो स्थिति देख लेते हैं वो शनि की। लग्नेश होकर के शनि दूसरे हाउस में कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि में यहां बैठे शनि जो स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति है वो बढ़िया बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं आपको दिखाई नहीं दे रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका जरूर अच्छा यहां पर रहेगा मई के महीने में, क्योंकि आपका लग्नेश बढ़िया बैठा हुआ है। मंगल 6th हाउस से 9 मई तक आठवीं दृष्टि लग्न पे डालेगा और फिर 9 मई के बाद 10 मई से 7th दृष्टि लग्न पे डालेगा। एनर्जी लेवल मंगल खराब नहीं करेगा, मंगल की दृष्टि से एनर्जी लेवल तो ठीक रहेगा क्योंकि उच्च की दृष्टि मंगल की लग्न पर पड़ेगी, लेकिन आपको सावधानी थोड़ा सा कहां रखना है, एंगर पे। अपने एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा, स्पेशली फैमिली लाइफ में ज्यादा, क्योंकि 4th हाउस में 4 ग्रह बैठे हैं। तो एंगर को थोड़ा कंट्रोल रखकर चलिएगा तो परेशानियां आपको कम होंगी और हेल्थ के दृष्टिकोण से जो मई का महीना है वो बढ़िया दिखाई दे रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और एनर्जी के दृष्टिकोण से भी बढ़िया दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छे निर्णय यहां पे आप ले सकते हैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, ऐसी संभावना यहां पे बन रही है। उसके बाद बात करूं, देखिए फाइनेंशियल कंडीशन की। शनि 2nd हाउस में है, वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए ये पोजीशन खराब नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन की वेल्थ एक्यूमुलेशन की स्थिति जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ, मंगल आपका जरूर इनकम लॉर्ड होकर के मंगल 10 मई तक 6th हाउस में रहेंगे। यहां पर थोड़ा सा इनकम की स्थिति को डमाडोल मंगल रख सकते हैं, अप्स एंड डाउन रख सकते हैं, लेकिन फिर जब मंगल 7th हाउस में यहां गोचर करेंगे, नीच के जरूर होंगे, लेकिन चूंकि फिर भी 4th हाउस और इनकम लॉर्ड होकर के बिजनेस ट्रेडिंग के हाउस में आएंगे, तो यहां पर कुछ बेहतर संभावनाएं 10 मई के बाद मंगल बनाएंगे, जहां डिफरेंट कुछ इनकम ऑफ सोर्स आपके अलग से हो सकते हैं, आपके सोचे हुए काम बन सकते हैं, कोई नए काम भी आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो भी बिजनेस या प्रोफेशन है उसमें आपको इनकम की स्थिति बेहतर होती हुई 10 मई के बाद दिखाई दे रही है। देखिए, कैरियर प्रोफेशन की बात करूं तो कैरियर प्रोफेशन में राहु 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में। अभी मकर राशि वाले आप लोग कुछ समय से या तो अभी जस्ट जॉब लगा होगा, या आप लोग कई कुछ समय से 1.5-2 साल से परेशानियों में चल रहे थे, आपको जॉब से डिटैच किया गया, क्योंकि केतु की स्थिति भी 10th हाउस में गई। केतु ने 10th हाउस प्रोफेशन हाउस से संबंध बनाया, राहु दृष्टि 10th हाउस पे, आपको जॉब से डिटैच किया गया, काम से डिटैच किया गया, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है गुरु यहां पर आ गए हैं। ये गुरु राहु के साथ चांडाल योग जरूर बनाएंगे, लेकिन जो बैलेंस देंगे गुरु, गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर जाकर के पड़ेगी। 10th हाउस पर गुरु की दृष्टि, अगर आप जॉब में नहीं है तो आपको जॉब के लिए ले जा सकती है। 10th हाउस पे गुरु की दृष्टि आपके जॉब को, कार्यक्षेत्र में जो आपकी पोजीशंस है, जो भी आपके वहां पे अनुभव है, उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होती है किसी भी हालत में नुकसान नहीं करती है। पर हां, जहां सावधानी रखनी है उस पर मैं जरूर बात करूंगा। तो कैरियर प्रोफेशन को लेकर के गुरु थोड़ी अच्छी संभावनाएं जरूर बना रहे हैं, उसका बेनिफिट आप लीजिएगा बृहस्पति मई के महीने में। उसके बाद देखिए भाग्य की बात करूं तो भाग्य में मरकरी आपका भाग्य होकर के 4th हाउस में बैठा है। 10 मई तक ये अस्त रहेगा, उसके बाद ये उदय हो जाएगा। 10 मई तक थोड़ी सी भाग्य की संभावना, भाग्य का साथ मिलने की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन 10 मई के बाद जो मरकरी की पोजीशन है, जब इसका उदय होगा तब ये आपको भाग्य का साथ बेहतर दिलाने की कोशिश मरकरी करेगा। सावधानी आपको ये रखनी है कि राहु गुरु और मरकरी दोनों के साथ यहां विराजमान है और मारक सूर्य भी यहां विराजमान है। फैमिली आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, फैमिली में आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, फैमिली में थोड़ा सा माहौल खराब होने की संभावना रहेगी। उसके साथ साथ सूर्य मारक की दृष्टि 10th हाउस पे और राहु की दृष्टि 10th हाउस पे, जो
ट्राइफल्स हैं, जो भी आर्गुमेंट्स हैं, वो आपको कार्य क्षेत्र में भी नहीं करना है, क्योंकि सूर्य देखिए फिर यहां से निकल जाएंगे 14 मई के बाद से। तो 14 मई तक सावधानी थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा, क्योंकि 10 मई तक मंगल भी सिक्स हाउस में रहेंगे इनकम लॉर्ड, और सूर्य मारक भी यहां पर देख रहे होंगे। तो 14 मई के बाद फिर स्थिति में सुधार आपको दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य यहां से निकल जाएंगे और मंगल भी आपका 10 मई के बाद सेवंथ हाउस में आएंगे। तो इनकम को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, उसके बाद स्थिति जो है वो अच्छी होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। बात करूं लव लाइफ की, मैरिज लाइफ की, देखिए लव लाइफ में शुक्र आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होकर के सिक्स हाउस में पूरे महीने लगभग रहेगा, 2-3 मई से। तो यहां पर जो लव लाइफ है, लव लाइफ, लव हाउस पर तो कोई पाप प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, बस शुक्र थोड़ा सा सिक्स हाउस में है, तो अगर हल्की फल्की परेशानियां आएंगी भी तो आपके अंडरस्टैंडिंग से वो सॉल्व हो जाएंगी, कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। अगर आप पीसफुल रवैया अपनाइएगा तो लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। मैरिज लाइफ की अगर बात करूं तो मैरिज लाइफ पर भी कोई पाप प्रभाव नहीं पड़ रहा, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि या कोई पाप प्रभाव आपके मैरिज हाउस पर नहीं पड़ रहा। बस मंगल आपका 10 मई के बाद यहां पर आएगा, तो मंगल जब यहां पर आएगा इनकम की स्थिति जरूर अच्छी करेगा। लाइफ पार्टनर के साथ अगर थोड़ा सामंजस्य बना करके चलिएगा, 10 मई के बाद मंगल थोड़ा बहुत आपको आर्गुमेंट की स्थिति रख सकता है, लेकिन अगर आप समझदारी से चलेंगे, अगर आप शांति से चलेंगे, अगर आप ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेंगे, तो ज्यादा कुछ परेशानी मैरिज लाइफ में नहीं होने वाली है। तो ये चीजें आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है। देखिए अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो आपको मैं यही कहूंगा कि जो भी स्थिति आपके लिए जीवन में रही है, अब हो सकता है काफी सारी परेशानी आपको रही है और कईयों को रही हैं, कईयों को कम रही हैं, लेकिन जो भी रही हैं, आप एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, आंखों में चमक होती है, और आपका जो एम्बिशन होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे लोग जो एम्बिशंस बड़ा बनाते हैं, वो बड़े से बड़े कोई भी इंसान हो, उनके जीवन में परेशानियां और स्ट्रगल्स आती हैं। तो आपको वो चीज़ समझना होगा, इसको सिर्फ साढ़े साथी के इतर मत समझिए, इसको इस तरह से भी समझिए कि जितने भी लोगों ने बड़ा मंजिल हासिल किया अपने जीवन में, उनको परेशानियां रहीं, उनको 2 साल 4 साल 5 साल स्ट्रगल करना पड़ा, तो आप यही समझिए कि ये एक स्ट्रगलिंग पीरियड है जो मेरा निकला है, एंड आई हैव टू बैकअप, अब हमको बैकअप करना है, अब हमको जो है वापस से अपने लाइफ में उठना है। ये चीज़ अब आप सोचिए, और जो भी परिस्थिति आपके साथ है उसी परिस्थिति से आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। स्थिति में इंप्रूवमेंट के चांसेस जरूर बन रहे हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर कुंभ राशि में है अभी फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए, मरकरी अभी यहाँ चल रहे हैं भाग्यस, फिर मरकरी आपके फिफ्थ हाउस में जाएंगे, तो ये सब स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। आप कहिएगा तो 2-3 महीने के लिए आगे के लिए मैं वीडियोज़ बना दूंगा, क्या सिचुएशंस रहेगा आपका, टू दी पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कहिएगा तो फिर मैं जून जुलाई अगस्त 3 महीने का जो है नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत डिटेल में अच्छे से बना के दे दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लगी हो तो जरूर इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।